हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, अगर आपकी जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी नहीं लिख पा रही तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मार्केट में आज के टाइम स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि डिग्री। अगर आपके पास डिग्री है तो आप उसे अपने पास ही रखे रहिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना पढ़े लिखे हो कितना पढ़े लिखे नहीं हो। देखो, मान लीजिए अगर आपका एक फ़ैन ख़राब हो गया है तो आप क्या चाहोगे, कि उसकी डिग्री देखोगे कि आप देखोगे कि यार आपका कोई फ़ैन ठीक कर दे। अगर आपका कंप्यूटर ख़राब हो गया तो आप कंप्यूटर को दिखाओगे, वो आप देखोगे ना कि भाई उसे कंप्यूटर ठीक करना आता है या नहीं आता। तो वैसे ही आज के टाइम पे मार्केट में आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके पास डिग्री है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपकी वैल्यू है, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप को अपने अंदर स्किल्स डेवलप करने ही होंगे। अगर आप किसी के पास स्कूल्स में टीचर से सब्जेक्ट पढ़ते, किसी ट्यूशन से सब्जेक्ट पढ़ते हो और आप उनसे पूछते हो कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि मेरी जॉब लग जाएगी इस पढ़ाई को करने के बाद, मतलब कि 12th पास करने के बाद क्या मेरी जॉब लग जाएगी, या सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बेस पर, तो आपको सच में वो घुमा फिरा कर जवाब देंगे या फिर वो आपको टालेंगे कि आपको जवाब ना दें, या फिर आपको पर्सनली बोलेंगे बेटा आपने ये तो पढ़ाई करी है, पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। मैं भी बोलता हूँ ज़रूरी है क्योंकि मैंने भी पढ़ाई करी है, लेकिन आपको साथ साथ स्किल्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या स्किल्स हैं जो आपको अपनी लाइफ में उतारने हैं, जो आपको स्किल्स चाहिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो देखो, सबसे पहला तो है इंग्लिश स्पीकिंग। आप कहीं से भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करिए, लेकिन करिए, क्योंकि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं करोगे, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं आता, अगर आपको किसी से इंग्लिश में बात करना नहीं आता, तो लोग आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं समझेंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा आज के टाइम पर उसी को समझा जाता है जिसे इंग्लिश बोलने आती है। और दूसरा कोर्स है कंप्यूटर कोर्स। कंप्यूटर कोर्स एक ऐसा कोर्स है, अगर आप जानते हो तो आपको आसानी से कहीं भी जॉब मिल जाती है। अगर आपको इंग्लिश आएगी, इंग्लिश में लिखा होता है कंप्यूटर में, तो आप कंप्यूटर को भी समझ पाओगे, कंप्यूटर की भाषा भी समझ पाओगे। तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग और कर लेना, क्योंकि इसे करने के बाद आप अपना कोई भी बिजनेस आराम से कर सकते हो और अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन इन कोर्सेज को करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को टाइम दीजिए। वैसे भी आप पढ़ाई में 12 साल तो दे ही चुके हो, तो थोड़ा सा और टाइम से ही अपने स्किल्स पे लगाइए, अपने आप पे लगाइए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, फिर देखिए आपकी जॉब 100% लगेगी। डिग्री के बेस पे इंटरव्यू देने जाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और आपको निराशा ही हाथ लगेगी। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल्स पे ध्यान दीजिए। पढ़ाई ज़रूरी है, सब करते हैं, मगर स्किल्स को इम्प्रूव करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं।